सबको। हाँ शुरू करें। सबका सबसे पहले तो मैं आप सभी का, खड़े हो जाइए कोई बात, हो गया। और कोई है? शुरू करें। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। भारत माता की। शुरू नहीं आ रहा है? शांत हो जाए पहले। कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार, जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022। और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही, और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए, समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहां आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था, यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो दो दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं,
ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरूतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरूतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। और लगभग दो वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी, उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार उसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सबका धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहां पारित कर दिया है, यहां एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न पूछकर मैं समझता हूं कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे। और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है, इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। देखिए हमने इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग के बीच में जाकर और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें सम्मिलित किए हैं इस ड्राफ्ट में। और ये राज्य के अंदर पहला उदाहरण है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इसमें अपना कहीं ना कहीं 10% परिवारों ने इसमें भाग लिया है। यह अपने आप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जो जागरूकता है यह भी प्रदर्शित करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। सर, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, विपक्ष शुरू में आ रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा था, लेकिन सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है। नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी ने इसमें भाग लिया है, सभी ने अपने अपने विचार लिए हैं। हमने एक शुरुआत की है, आगे और भी जो सुझाव आएंगे, जो संशोधन आएंगे, जो राज्य के हित में होंगे उन सबको आगे बढ़ाएंगे, उन सबको सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस इसको कह रही है 7% आबादी पर टारगेट,
तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स और तुम्हारा आपने कही कि तुष्टिकरण आप मानते हैं कि ये तुष्टिकरण नहीं है, ये संतुष्टिकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है, ये सुनिश्चित करेगा और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि इस कानून को उतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हरेक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है, हमको ये सौभाग्य मिला है। इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सबके लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। मुख्यमंत्री साहब, उत्तराखंड में लोग मूल निवास और भू कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे। आज समान नागरिक संहिता राज्य की जनता ने ही जो है इस पर मोहर लगाई है, ये तो हम लागू कर रहे हैं इसको। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है उनके संघर्षों से और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ इसमें, इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, चूंकि जब मैं छोटा था, मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है, मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं है। ऐसे समय में जहां मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको हम देंगे, उसको हम जारी रखेंगे, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी उसमें और विनिमिताएं रह गई थी, उन सबको दूर करते हुए प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और उस समिति ने काम किया, समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है और आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना प्रारंभ हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद। मंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, यूसीसी पास कराने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ध्वनिमत से पास हुआ है यूसीसी बिल, बड़ी बात। अब बिल पर राज्यपाल की मुहर लगेगी, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और फिर यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। यूसीसी पर उठ रहे तमाम सवालों का एक वाक्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया कि यूसीसी तुष्टिकरण नहीं है बल्कि संतुष्टिकरण है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, इसको किसी और नजर से, किसी और नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे सहयोगी भारती सकलानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारती, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूं।